अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होगे और अपने अपने घर में खुशहाल होगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी, सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ कि बहुत ही अमेजिंग का व्लॉग है, तो शुरू एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो भाई, यहाँ पर जो है ना, मैं अपने फेस की कर रही थी क्लेंजिंग, और स्क्रब कैसे करूँगी वो जादू स्क्रब मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो रोज़ वाटर को मैंने अपने फेस पर जो है स्प्रे कर लिया है, क्योंकि मेरे पास जो था ना वो ये वाला क्लेंज़र था डर्माकॉस का, तो ये जो है डेली बेसिस पे नहीं यूज़ किया जा सकता, तो इसलिए मैंने इसको हटा के मैंने जो ये वाला क्लेंज़र ट्राई किया। इसका रिव्यू जो है ना वो आप लोगों को अगेन ब्यूटी रिव्यूज़ बाय फरियाल के चैनल पे मिल जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हम लोग ने इसको ट्राई करना स्टार्ट किया। तो बस इसको मैंने निकाला है और इसको मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखाती हूँ। तो बस अब जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं और जल्दी जल्दी से जो है ना फेस की मतलब थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे जाना है थोड़ी सी आईब्रोज और अपर लिप्स सेट करवाने। तो बस जल्दी से हम लोग ये करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है ना मैंने चीनी को कूट लिया था, बहुत मोटी चीनी होती है ना, तो मैंने उसको हल्का हल्का कूट लिया था। और ये मैंने टमाटर का स्लाइस लिया था, इससे मैंने काफ़ी स्क्रबिंग अब फेस पर कर ली है, तो इसलिए जो है ना ये इस तरीके का हो गया टमाटर का स्लाइस। तो आप लोग से बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये टमाटर का स्लाइस है जो हम फेस पे भी कर लेंगे, इससे हाथों पे भी कर लेंगे और पाँव पे भी इसी टमाटर के स्लाइस से जो है ना स्क्रबिंग कर लेंगे, तो बहुत अच्छा ग्लो आता है और बहुत अच्छी नेचुरल स्क्रब हो जाती है और स्किन पे कोई हार्मफुल भी नहीं होती है स्क्रब। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रिकमेंडेशंस पे और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्क्रब कैसी लगी। अच्छा भाई, तो उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर मैंने क्रिस्टीन का वाइट ग्लो में से इनके क्रिस्टीन की वाइट ग्लो सीरीज़ में से क्ले मास्क यूज़ कर लिया। बस मैंने क्लेंजिंग करी, स्क्रब किया, होममेड स्क्रब। अदरवाइज़ स्क्रब भी जो है ना वो मेरे पास डर्माकॉस का ही था, ठीक है, इसी कंपनी का ही है, लेकिन फिर भी मैंने ऑर्गेनिक स्क्रब यूज़ करा, क्योंकि आजकल मुझे ऑर्गेनिक स्किन केयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है। तो बस उसके बाद मैंने मास्क जो है वो ये वाला यूज़ कर लिया, इससे थोड़ा सा ना ब्राइटनिंग इफेक्ट मिल जाता है स्किन को। तो चलते हैं, अब इसको जो है वॉश करके रखते हैं और इसका जो है ये सारा जो कचरा वगैरह ना इसको फेंकते हैं और इसको वॉश करके रख देते हैं, क्योंकि ये जो है ना जम जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसको डालते हैं कचरे में और इसको जो है ना वॉश करके रखते हैं। अब हम हल्का सा खंगाल देते हैं इसको, बाकी जब बर्तन वॉश होंगे तो उसके साथ ताकि ये वॉश हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना कपड़े अम्मी ने इस्त्री कर दिए थे, वो ये टंगे हुए शर्ट और ट्राउज़र ये वाले कपड़े पहन रही हूँ, और इसका जो दुपट्टा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको करना है मैंने खुद ही इस्त्री, क्योंकि मैंने इसको फोल्ड बनानी थी इसकी। तो मैं लेकर आती हूँ इस्त्री और यहाँ बैठ के करती हूँ उसको इस्त्री। तो ये रही इस्त्री और ये रही जनमाज, इस पर आके इस्त्री करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ से जलाते हैं लाइटें और पंखे, तो बस यहाँ पर बैठ के हम लोग इस्त्री करेंगे अब। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने मास्क लगाया हुआ था, अब मैं इसको वॉश करती हूँ, और सर में भी मैंने ऑयल लगाया हुआ है, तो अभी हम नहाएंगे भी, मास्क वॉश करते हैं और नहाते हैं, फिर हम चलेंगे पार्लर आईब्रोज और अपर लिप्स बनवाने। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है ना मैं जा रही थी पार्लर, तो बस यहाँ पर मैं और अम्मी जा रही थी पार्लर और आईब्रोज और अपर लिप्स बनवाने। तो हम लोग नीचे आ गए थे और अभी हम लोग जा रहे थे, ये हमारी पार्किंग है। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे पार्लर और यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर्स ही लगाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसी के सामने व्लॉग किया जाए। तो बस मैंने आईब्रोज अपर लिप्स बनवा ली थी और यहाँ पर अम्मी बनवा रही थी, तो मैं उनका वेट कर रही थी कि वो बनवा लें और फिर हम वापस चलें घर। और बस ये इनका बॉल और काफ़ी अच्छा रखा हुआ था इन लोगों ने। तो यहाँ पर मैं घर आ गई थी और घर आके मैंने कुछ काम वाम था मैंने वो किया, और देन उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा काम किया और फिर ये जो है मैंने कपड़े निकाले हैं अभी पहनने के लिए, और अभी मैं नहाऊंगी और ये कपड़े पहन चेंज करूँगी। इन कपड़ों को यहाँ रखते हैं और यहाँ रेट के मैं थोड़ी देर आराम करूँगी जब तक वॉशरूम में मेरी बहन नहा रही है, उसके बाद हम। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने अगेन वॉइस ओवर लगाई है, यहाँ पर मैं खा रही थी निम्को चिल्ली चिप्स भी बोलते हैं इनको, निम्को भी बोलते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करी लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती थी, बट ये वाली जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। जो है ना मैंने नहा लिया था और बस अभी बाल जो है ड्राई हो रहे हैं, तो बाल ड्राई होते हैं उसके बाद। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है मैंने मिक्स सैलड बनाई थी, फिर हम लोग वो खा रहे थे, तो मैंने कहा खा लेती हूँ ताकि भूख ना लगे, बहुत ही मज़ी बनती है सैलड। अच्छा भाई, तो यहाँ पर मैंने पढ़ ली थी नमाज, और ये जो है ना मैं फ्लैश लाइट से जो है वीडियो बना रही हूँ, मगरिब हो चुकी थी तो यहाँ पर बस नमाज़ पढ़ी थी, और फ्लैश लाइट से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ना नमाज़ अंधेरे में पढ़ने का शौक है, तो मैं अंधेरे में पढ़ती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ी थी और अभी आप लोगों को टाइम दिखा दी हूँ कि क्या हो रहा है।
अच्छा यहाँ पर आप लोग टाइम देख सकते हो कि 6:30 का टाइम हो गया था और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी, सारा स्किन केयर वगैरह भी कर ली थी। तो बस अब हम लोग थोड़ा सा आराम करते हैं और रेस्ट करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। पर जो है ना टाइम मैं आप लोगों को पहले दिखा दूँगी क्या हो रहा था। टाइम यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि 7 बज चुके थे और मुझे 8:30 तक निकलना था। तो बस यहाँ पर जो है मैं तैयार होने वाली थी और यहाँ पर मेकअप वेकअप मैंने सब निकाल लिया था और यहाँ पर बस मैं तैयार होती हूँ। और सबसे पहले मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने वॉश करके जो है उसको यहाँ टेबल पर रख दिया। तो बस मोबाइल को लगाते हैं हम चार्ज पे क्योंकि उसके बाद पिक्चर्स वगैरह लेनी होती है, तो मोबाइल लगाएगा चार्ज पे और हम तैयार होते हैं आपसे मिलते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं रेडी हो गई थी, बस मुझे अपने बाल हेयर स्टाइल बनाना था और कपड़े चेंज करने थे और सेकंड उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये मेकअप मैंने निकाला था जो मुझे लेके जाना था। ये 2 ग्लॉस है, एक ओटो की है और एक जो है वो एमली की है। बाकी पेन केक ले जाऊँगी, ब्रशेज़ की हालत को इग्नोर करेगा क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं तो चेंज करने भी हैं मुझे। काफ़ी तो नहीं, आई थिंक इसको 1 साल ही हुआ है अभी। और ये मैं लेके जाऊँगी तो इनको रखूँगी बैग में और जल्दी से मैं करती हूँ अपने कपड़े चेंज और हेयर स्टाइल करती हूँ। अच्छा तो यहाँ पर जो है ना वो बस मैं तैयार हो गई थी और मैंने वाले बिंदे भी पहन लिए थे और दैट्स इट, ये मेरा ड्रेस था आज का। तो बस मैं जा रही हूँ। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और बहुत ही करीब था दोस्त का घर, तो हम लोग जल्द झटपट से पहुँच गए थे ओनली 4 मिनट्स में। तो बस यहाँ पर इसकी रस्म हो रही थी जो साली जो है क्या बोलते हैं उंगली पकड़ती है और फिर पैसे मांगती है, वो वाली रस्म। तो मुझे बताएगा किस किस में होती है ऐसी रस्में। तो बस यहाँ पर हम लोग ने दुल्हन की उतरी हुई चूड़ियाँ पहनी थी। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को शायद पता ही होगा कि क्या होता है। तो ये हमें दुल्हन की अम्मी ने ज़बरदस्ती पहना दी थी कि नहीं जी पहनो। तो खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोग बस ऐसे ही बस हल्ला गुल्ला कर रहे थे और ये थी हमारी दुल्हन मैडम जो फ्री होकर आ गई थी हमारे पास। और इनके साथ फिर हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली और खाना हो गया था, फिर हमने खाना खाया और बस उसके बाद मीठा खाया और काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, डांस वगैरह हुआ। फिर घर आते आते 1 बज गया था। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।